रुदाली धर्म पत्नी को देख सकते हैं आप। रुदाली का कौन सा गाना था जाने? कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी इंडिया में जॉइन कर दी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम का समय है, ब्लॉग अभी से स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं दिन भर आज हम ये किए हैं, पूरा सारा बेडशीट आज क्लीन किए हैं। अभी भी दो और है, एक मशीन में चल रहा है एक राउंड, और एक राउंड अभी और है। ये देख रहे हैं पूरा बेडशीट पूरा क्लीन हुआ है, और अब मुझे करनी है गार्डन की क्लीनिंग भी करना है। इसीलिए ब्लॉग आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए हैं कि सुबह थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था तबीयत, और इतना सारा काम था क्योंकि बेडशीट इतना नीचे पड़ा हुआ था, करना है करना है करना है। तो सोचे कि क्यों ना इस काम को ख़त्म कर लिया जाए, तो ऑलमोस्ट हमारा डन है काम। तो चलिए सबसे पहले ये देख रहे हैं गार्डन मेरा इतना ग्रास बढ़ चुका है, इसको भी कटिंग किए हुए 1 वीक से ज़्यादा हो गया। पूजा से पहले किए थे, उसके बाद अभी तक नहीं किए, तो कटिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो इसको भी कट करना है। और तो चलिए क्लीन करते हैं, इसमें लगेगा 1 से 2 घंटे लगेंगे। ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है, ब्लॉग हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और दिखाते हैं, दो लौकी निकल चुका है और सीम आया है, सीम भी दिखाते हैं। सीम में फ्लावर आना शुरू हो गया है, और राउंड वाला कद्दू भी बहुत अच्छा से ग्रो कर गया है, वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा सीम है, इसमें फ्लावर आ चुका है, और राउंड वाला लौकी यहाँ पे देखिए, ये रहा राउंड वाला लौकी, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये लंबा वाला 2 ग्रो और कर रहा है, यहाँ पे है और एक और है, वो रहा। ये अब 1-2 दिन में ऑलमोस्ट डन है, उसके बाद इसको तोड़ेंगे। और नया में देखिए, ये निकला है नया में, नया बहुत निकला है। देखिए एक देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें राउंड भी है, बीच में बहुत राउंड भी है। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे भी है, तो बहुत सारा लौकी निकल रहा है अभी, देख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा ग्रास कटिंग हो चुका है और हम पूरा थक चुके हैं, ये देखें। और यहाँ पे मिंट को इतना निकाल के देख रहे हैं, मिंट को कट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा था, तो यहाँ पे पूरा इसको कट किए हैं, उधर भी किए हैं यहाँ पे। और ये अभी ग्रो किया था नया वाला, तो उसको छोड़ दिए हैं, बाकी सबको जितना बड़ा बड़ा था सबको कट किए हैं। ये देखिए, ये पूरा मिंट ही, अब इसको फेंकेंगे, क्या करेंगे, ये देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है, ये देख रहे हैं बाउंड्री के पास जो ग्रास रहता है ना, उसको बैठ के कट करने में, इसको देख रहे हैं एक एक ग्रास को, क्योंकि ये वाला तो चलो मशीन से कट जाता है, लेकिन ये साइड वाले को ना बैठ के ही कट करना पड़ता है सबको, ये देख रहे हैं, तब जाके अच्छा लगता है, नहीं तो साइड साइड में ना ग्रास बढ़ जाता है। और ये पुल के पास भी, पुल के अंदर में भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, तो उसको भी कट किए हैं साइड से पूरा। तो चलिए फाइनली है, 2 घंटे में हमारा पूरा ये गार्डन क्लीन हुआ है, और अभी ये कपड़ा डालना है, उसके बाद चाय बनाना है, फिर शाम का डिनर बनाना है। तो पहले इसको चलिए रखते हैं और इसको डस्टबिन में फेंक के आते हैं, और फिर मिलते हैं। हमारी रुदाली धर्म पत्नी को देख सकते हैं आप। रुदाली का कौन सा गाना था जाने? कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी इंडिया में जॉइन कर दी। मेरे अच्छा से गाना गाते हैं, दिल हूँ हूँ करे। कितना अच्छा लगता है मेरा इंडिया, प्याज मम्मा कट करती थी, सब कुछ मम्मी करती, यहाँ आगे झंड हो गया सर, प्याज भी खुद करो। शादी का जो है ना, ये सब फल है ना,
शादी के पहले क्या थे आप, शादी के बाद क्या हो गए आप, है ना? तो झंड हो गई मेरी लाइफ यहाँ आके। इस औरत को देख सकते हैं और सीख सकते हैं शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए शादी, झंड हो गई मेरे। शादी करो ठीक है, जर्मनी मत आओ, जर्मनी आओ ठीक, हेल्पर अपना लेके आओ। हेल्पर देख रहे हैं मेरी हालत, जर्मनी मत आना, आना तो अपने साथ ना दहेज हेल्पर लेके जाना। झुंड हो गया मेरा लाइफ। रात में इनके लिए हम बना रहे इतना प्यार से आलू गोभी और मटर की सब्जी। आलू गोभी और मटर का सब्जी, किसका मटर कर रहे हैं? आलू गोभी का इतना काम करने के बाद मेरे पति क्या बोलते, सुबह से उठी है पूरे घर का क्लीनिंग की, चादर साफ की, उसके बाद गार्डन साफ की। अब सोचे मेरी बीवी बैठेगी तो टीवी देखेगी तो पता चला रात हो गया, कितना बज रहा है, लेकिन हो गया ना, 6 बज गया, 6 बज गया और मौसम लगेगा, देखिए ना लग रहा है कि एकदम दिनदार है। खाने बनाने का टाइम तो हो गया ना, चलिए चाय बनाते हैं। और एक तरफ सब्जी का तैयारी हो रहा है बनाने वाले आलू गोभी और मटर का सब्जी। मटर चलिए गोभी हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये गया हमारा जीरा पाउडर, किचन किंग, ये रहा चाट मसाला, यहाँ पे रहा ये हमारा गरम मसाला, और यहीं पे रहा हमारा ये लाल मिर्च, ये रहा हमारा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये रहा यहाँ पे मिर्च, यह सॉरी नमक, और इसमें थोड़ा सा जाएगा ऑयल और जाएगा पानी। हम मसाले को 10 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद सब्जी में डलेगा, तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही यम्मी यम्मी होने वाला है। देखो यार, देखो मेरा चूल्हा फिर खराब हो चुका है, यह देखो काम है नीचे, ये देखिए पूरा ई ई ई लिखा चुका है, पता नहीं अभी तो ऑन किए थे, देखिए ये फिर से नीचे ट्रिप हो गया क्या, ये कोई बटन ही नहीं काम कर रहा है, ये देख रहे हैं। आ जाओ महाराज, हमको नहीं पता है, ये देखिए ना सब में ई ई हो रहा है, इसको ये भी बटन नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, बस हाँ ये बस हो रहा है। नीचे एक बार ट्रिप करना पड़ेगा, इसका जो मेन स्विच है ना उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, पता नहीं कभी कभी ये पंगा कर रहा है, जबकि अभी गर्म भी नहीं है उतना, ऐसा नहीं है कि कोई चूल्हा गर्म है हमारा। नीचे से देखिए बंद कर दिए, आप देखते हाँ ऑन हो गया है, काम काम, ये देखिए अब काम कर रहा है, पता नहीं क्या है लेकिन नीचे से ना एक बार ना, ये महीने दो महीने में एक बार ही हो ही जाता है, नीचे जो इसका मेन पावर है ना वो पता नहीं उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है।